अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चला गया। अरे बाबू कभी आता रहा हूँ, चौबीस तारीख की रात में जब छोटे लाल अपनी सर्राफा की दुकान बंद करके आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने उसको गोली मार दी और वो मर गया। मृतक की छोटे लाल की लाश को आज लोगों ने चौराहे पे रख करके जाम लगाया, जिससे काफी यातायात अस्त व्यस्त रहा, लोग जाम में घंटों फंसे रहे। पुलिस ने आश्वासन देकर के कि आरोपी को तुरंत पकड़ा जाएगा, जाम को छुड़वाया है और मृतक के परिवार वालों को समझा के वापस भेजा। दुकान बंद करके आ रहा था, घर के पास नजदीकी जो है वहाँ गोली मार दी गई। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। कल शाम को इनका मर्डर हुआ मेरे आंखों के सामने, जो कच्चा से इनकी गोली मारी गई है। भैया को मार रहा था, एक भैया को गोली मार चुका, फिर दूसरे को भाई दो लोग पकड़े थे, लात मार रहे थे, मुंह दाब के मार रहे थे, फिर गोली मार रहे थे, तो सुशील सर जी बचा लिए। वो देवता हो गए, छोटका वाला काका। हाँ, दोनों को मार रहे थे। दोनों को मारने आए थे, एक को गोली मारी और उनसे छोटे वाले को मार रहे थे। दुश्मनी थी किसी से आपकी? बहुत से नहीं भाई, यहाँ दुकाने के झरन के मारे के लड़का कमा था, गाकी आवा थी ना भैया, मुसीबत झेले गई जाती है सब जने। ऐसे मौके पे जो आपने बहादुरी दिखाई, जो आपने आरोपी को पकड़ा, उस तरह से आपके ऊपर भी किस तरह का भय हो गया? मेरे ऊपर भाई क्या था, मेरे ऊपर तो फायर हुआ है, आपने देखा भी होगा कि मेरी जैकेट छलनी थी और एक अपराधी जिसने मारा एक निर्दोष व्यक्ति को, तो मुझको ये लगा कि ये और भी मार सकता है और यहाँ दहशत का माहौल करेगा, उस दहशत को ख़त्म करने के लिए मुझसे जो बन सका टूटा फूटा, जो मैंने सीखा वो मैंने किया। बाहर निकले तो क्या कितने लोग थे? जो चार लोग थे, चारों के पास असलहे थे। कौन सा असलहा था? वो तमंचा था और चार चार पांच पांच गोलियां उन्होंने डाल के रखी थी। एक फायर मेरे ऊपर हुआ, एक फायर जिसका मौत हो गई, तो वो तो मौत हो गई, दो फायर उसके अंदर जिंदा कारतूस निकले और दो वो फायर्ड कारतूस निकले ठोके। उसके बाद भी हम दो भाई थे, दोनों ने पकड़ा उसको। अब किस तरह का डर आपको रहेगा? किस तरह का डर है? अब डर कहाँ है, अब जब ये जब कोने में मारने आते हैं तो अब डर ही नहीं आए, स्कूल जाना है, सब जाना है, रात बिरात निकलना है, तो अब कहीं का डर रही? कुछ न्याय मिले कि ना मिले, हम तो अभी सब आए हैं, हम कहें कि अब राइफल चाहिए मेरे लड़का को। जो मृतक के परिजन है वो लोग कुछ उनकी मांगे थी, वो शस्त्र लाइसेंस और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इससे संबंधित कुछ मांगे थे, बुलवा दिया गया है जाम को। इन्वेस्टिगेशन से पता है चला है कि आपसी रंजिश और वैमनस्यता कारण की गई है हत्या। इसमें एक अभियुक्त कल ही पकड़ा गया था, इसके साथ ही साथ बाकी और जो इसमें शामिल थे उनके बारे में हमको पता चलता है। रात से हमारी टीमें दबिश पर लगी हैं, चार टीमें दबिश पर लगी हैं, जो अन्य इसके सहयोग थे, जो इस सहयोग थी जिस घटना में शामिल थे, उनको हम बहुत सीख पकड़ के पूरी घटना का अनावरण कर लेंगे। मृतक छोटे लाल की बहन ने बताया कि ऐसे उसके तीन भाई और एक एक करके मारे जा चुके हैं। दो साल पहले उसका एक भाई मझगवां के पास मारा गया था, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो वहाँ पे मारे गए थे सत्ता के पास, वो वाले भैया देवंगला घाटी के पास। कितने साल हो गए? 2013 में 29 दिसंबर को मारे गए थे वो वाले भैया। जो पुरानी घटना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो यूपी से संबंधित नहीं है, वो मझगवा से संबंधित है, तो उसके प्रकरण में बहुत नहीं कहा जा सकता। यहाँ के मामले में हमने दो गिरफ्तारियां कर ली है, संबंधित दो के नाम भी हमें समझ में आ गए हैं और जल्दी ही उसका खुलासा होगा।